नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हल्द्वानी हिंसा का अब्दुल पकड़ा गया, आई भयंकर कुटाई की वीडियो, क्या एनकाउंटर से हुआ काम तमाम। जी हां, आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो को, आज देखिएगा। ये जो मैंने अब्दुल नाम लिया है, ये वाकई अब्दुल था, और ऐसे अब्दुलों का एनकाउंटर क्या नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सवाल था। लेकिन सबके बीच में आखिरकार उत्तराखंड की धामी पुलिस ने एक बार काम तमाम कर दिया है, वो अब्दुल का दिखाते हैं आखिर क्या है पूरी की पूरी वीडियो। आप सभी से अनुरोध करेंगे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी इस हिंसा में एंट्री हो गई है। वो भी आखिरकार गिरफ्तार किया गया है, कौन है वो आखिरकार, अखिलेश यादव जो कहते हैं शांति कभी अपील किया, और आखिरकार आज अब्दुल वाली हिंसा में जिसका अब्दुल मास्टरमाइंड था, हल्द्वानी की हिंसा में जो कुछ हुआ, क्या आखिरकार ये होना चाहिए था। दिखाते हैं पूरा वीडियो और अब्दुल पर अपना कमेंट करें, ऐसे जितने भी अब्दुलों पर सब भी पर अपना कमेंट करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आ रही है तो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे तो नीचे दिए नंबर्स पर आप हमें सहायता राशि गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से भेज दें। कुमाई को एंट्री पॉइंट कराने वाला हल्द्वानी वैसे तो हमेशा शांत रहता है, लेकिन गुरुवार को यहां का माहौल इतना बदला कि अब्दुल ने पूरे का पूरे हल्द्वानी से लेकर पूरे देश का माहौल अब्दुल ने बदल दिया। सड़क पर पत्थरों की बौछार थी और आगजनी फैली हुई थी, हिंसा से मौतें हो रही थी और बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रशासन बनभूलपुरा में माइनॉरिटी के कथित अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने पहुंचा जो नजूल लैंड पर बने हुए थे। अब दैनिक ट्रिब्यून के खबर के हवाले से, हिंसा भड़काने वाला मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ये जो अब्दुल था उसको दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है, केजरीवाल के शहर में। क्योंकि केजरीवाल, आपको बता दे, दिल्ली हिंसा 2020 जो हुआ था कुछ उसी तर्ज पर पेट्रोल बम और पत्थरबाजी हुई, और आखिरकार जब अब्दुल दिल्ली से गिरफ्तार होता है तो क्या दिल्ली के केजरीवाल और उसके विधायक जो थे, जिन लोगों ने दिल्ली के हिंसा रची थी 2020 में, क्या वही हल्द्वानी का प्लान था? क्योंकि जब दिल्ली से गिरफ्तार हुआ अब्दुल, और उस हिंसा में भी कई अब्दुल शामिल थे दिल्ली हिंसा में, जहां हिंदुओं को मारा गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, बनपुर जो बनभूलपुरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार को हिंसा के मामले में अब तक कुल जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो आपको बता देते हैं। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, 11 ऐसे लोग हैं जिन्हें सीसीटीवी फुटेज के आधार के माध्यम पर पहचान कर चिन्हित किया गया है। आपको आगे दिखाएंगे कि वो जो अब्दुल था, वो अब्दुल कैसे नजूल की जमीन पर पूरा का पूरा खेल कर रहा था, और नजूल की जमीन होती क्या है वो भी आपको इस वीडियो में दिखेगा। आपको बता दें, सीसीटीवी और वीडियो के फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया गया इन लोगों को, और उसके पास पुलिस ने बनपुर पुला थाने में आगजनी के बाद लूटे गए कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने सभी से पूछताछ शुरू की है। रविवार को शाम 7:30 बजे कोतवाली सभागार में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता कर बनभूलपुरा उपद्रव मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि करीब अभी तक पुलिस को करीब 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और लगभग 500 मोबाइल वीडियो की जांच कर चुकी है। एसएसपी ने अभी अब्दुल की गिरफ्तारी को लेकर के कहीं क्लियर तरीके से जवाब नहीं दिया, लेकिन मुखानी पुलिस की ओर से दर्ज मामले में गुलजार अहमद, रईस अहमद, मोहम्मद फरीद, जावेद मोहम्मद साद, मोहम्मद तस्लीम को गिरफ्तार किया गया है। अभी जो नाम है एक किनारे से, अब हम यहां पर थोड़ा आपको बुरा कुछ लोग को लगेगा, लेकिन हम धर्म भी देखेंगे आखिरकार जो नाम है ये कौन है जो गिरफ्तार हुए हैं और ये पत्थरबाजी किए थे। गुलजार अहमद मुस्लिम, रईस अहमद मुस्लिम, मोहम्मद फरीद मुस्लिम, जावेद मोहम्मद साद मुस्लिम, तस्लीम मुस्लिम, ये जितने नाम है सब मुस्लिम है। और इस मामले में और नाम बता देता हूं, अहमद हसन कौन है, शाहरुख खान, माफ कीजिएगा शाहरुख खान, सिर्फ शाहरुख नाम है,
अर्जना, रिहान, जिसान, मुजम्मिल और मजिद को भी गिरफ्तार किया गया। ये कौन है, कौन है ये लोग, किस धर्म से आते हैं? इन सबके बीच इस हिंसा में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। हल्द्वानी के बनभूर पुला में अवैध मदरसा कथा नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान गुरुवार को भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी। हल्द्वानी पुलिस ने इस मामले पर अब जो गिरफ्तार किया है उनमें सपा नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी भी शामिल है। इनको गिरफ्तार किया गया है, सभी लोगों से ये बाब पूछताछ की गई है और की जा रही है और बाकी लोगों को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर कहा है कि हल्द्वानी में हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों और अराजक तत्वों पर कार्रवाई लगातार जारी है, सभी दंगाइयों को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। खुफिया एजेंसियों ने बता दें आपको इसके बारे में पहले से आगाह किया था। अब इस मामले में कई रिपोर्ट सामने आ रही है जो कहती है कि इंटेलिजेंस को इस हिंसा का पहले से अंदाजा हो चुका था और उसे एडमिनिस्ट्रेशन को चेताया था कि मुस्लिम कट्टरपंथी नेता अपने लोगों को उकसा सकते हैं। मामले की जांच चल रही इस बीच जानते हैं कि आखिर ये नुजूल की जमीन क्या वाला है। इससे पहले हम नुजूल की जमीन के बारे में बताएं, कुछ सवाल हैं जो सवाल पूछे जाने चाहिए। आपको याद होगा जब सीए कानून लागू हो रहा था, हालांकि सीए का नोटिफिकेशन एक दो दिन में आ जाएगा और सीए इंप्लीमेंट हो जाएगा। सीए का कानून जब लागू हो रहा था तो यही लोग संविधान लेकर के शाहीन बाग में बैठे हुए थे। शाहीन बाग में संविधान लेकर तिरंगा लेकर बैठे हुए थे और संविधान की कसम खा रहे थे। अब जब संविधान को पूरे देश में लागू किया जा रहा है, यानी कि एक देश एक विधान एक संविधान, तो साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि उत्तराखंड में इसका इंप्लीमेंट हो लागू हो गया, इसके बाद यह पूरी साजिश हल्द्वानी में रची गई। हल्द्वानी से इसको स्टार्ट करने की पूरी साजिश थी। और देखिए साहब, जो कहते थे ना कि संविधान से देश चलेगा, आज वो शरीयत पर आ गए और यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसी संविधान के तहत आया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये बहिष्कार कर रहे हैं और कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। अब शरीयत और संविधान के बीच की जो खाई है वो साफ दिख गई, किसके बीच कितनी खाई है। और एक खास समुदाय इस खाई को कभी भी भरने नहीं देगा और संविधान को कभी भी शायद उच्च नहीं मानेगा। जब अपने पर आती है तो तिरंगा संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन साहब जब यही संविधान सही से क्रियान्वयन होता है तो इसी संविधान को दरकिनार करके शरीयत पर चलने रहते हैं। चलिए चलते हैं, क्या मामला था और क्या थी ये जमुल नजूल की जमीन जिसके, और क्या है ये बला जिसके साथ सारा फसाद शुरू हुआ। साथ ही जिस जगह तोड़फोड़ हुई उसका आधिकारिक स्टेटस भी आपको बता देते हैं, क्योंकि सच जाना आपका अधिकार है, ना अक्ष की ना पक्ष की ना विपक्ष की, ना हिंदू ना मुसलमान की, आखिर क्या सच है उसके बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं। सरकार का होता है नजूल लैंड, जी हाँ, ये जो नजूल लैंड है, नजूल लैंड वो सरकार की होती है, नजूल की जमीन। और ये नजूल की जमीन पर मस्जिद बने हुए थे, मकबरे बने हुए थे, तो क्या होगा, सरकार तो अपने कब्जे में लेगी ना। तो ये था नजूल लैंड। जमीन खरीदना तो लगभग सभी का सपना होता है, लेकिन इसकी खरीद बिक्री के समय बेहद चौकन्ना रहना पड़ता है। कई बार रेकी के दौरान देखा जाता है कि किसी पट्टे की नजूल की भूमि का बोर्ड लगा हुआ है। ये असल में सरकारी जमीन होती है जिस पर ना कोई पक्की इमारत बनाई जा सकती है, ना ही खेती बाड़ी की जा सकती है, जब तक कि सरकार इसकी इजाजत ना दे। अब आम लोग खरीद या बेच नहीं सकते इसको लेकर के, अंग्रेजों के समय से प्रथा चली आ रही है। नजूल की जमीन की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। ये भूमि के वो टुकड़े थे जो असल में बागियों के थे और जिन पर अंग्रेजों ने जबरन कब्जा कर लिया था। आजादी के बाद सरकार ने जमीनों के मालिकों को उनके पट्टे वापस लौटाने शुरू कर दिए, लेकिन कई जमीनों के वारिस ही नहीं मिले या फिर ऐसे लोग सामने आए जिनके पास पूरे कागजात नहीं थे। ऐसे में आजाद भारत की सरकार ने जमीन मालिकाना हक अपने पास ही रखा, जिसे नजूल की जमीन कही गई। इस जमीन को लीज पर भी दी जाती है। जमीन जिस राज्य में आती है उसकी सरकार जो होती है वो आमतौर पर सरकारें इस खाली रखने के बजाय एक तय समय सीमा तक लीज पर दे देती है। यह अवधि लगभग 15 साल के लेकर 99 साल तक की लीज हो सकती है।
लीज खत्म होने के बाद पहले रेवेन्यू विभाग ने में चिट्ठी देकर उसे रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन फैसला सरकार के हाथ में होता है कि वो जमीन क्या करना चाहती है और किसे देना चाहती है। अब एक किस काम आती है जमीन, वो समझना पड़ेगा। देश के लगभग हर राज्य में इन नजूल की जमीनें हैं, वहां का स्थानीय प्रशासन तय करता है कि उस जमीन को किसे और किस लिए किसी लीज पर दिया जाए। ज्यादातर समय प्रशासन इसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल या पंचायत भवन बनाने के लिए करता है नजूल की जमीन। कई शहरों में यहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है जो लीज पर होती है। इसके लिए नजूल लैंड यानी ट्रांसफर रूल्स 1956 का एक काम करता है। इसमें यह देखा जाता है कि जमीन का टाइप क्या है, यानी कि क्या वो खेती लायक है या फिर बंजर है, इसके मुताबिक उसके लीज पर दिया जाता है। क्या नजूल का मालिकाना हक बदला जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। नजूल का मालिकाना हक कभी भी नहीं बदला जा सकता, सीधे तौर पर आपको जवाब दे दें। जमीन का इस्तेमाल किस काम के हो रहा है ये बदल सकता है। खेती की जमीन आगे चल के इमारत बनाने के काम में आ सकती है। लीज पर किसे दिया जाए ये बदल सकता है, लेकिन उसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। कहीं कहीं अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी ये जमीन खेती के पट्टे पर दी जाती है, लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया जाता है। अब हल्द्वानी विवाद की तरफ चलते हैं कि आखिर क्या हल्द्वानी विवादित नजूल की जमीन जो है उस रजिस्टर्ड है नजूल के तौर पर। हल्द्वानी जिला प्रशासन का कहना है कि जिला जिस प्रॉपर्टी पर माइनॉरिटी का धार्मिक स्थल बना हुआ था वो नगर निगम की नजूल जमीन के तौर पर रजिस्टर्ड है। वहां पर करीब 3 हफ्तों से सड़कों से जाम कम करने के लिए अवैध कब्जे हटाए जा रहे थे। इसी सिलसिले में वहां नोटिस देते हुए कहा गया कि वे जमीन मालिकाना हक के कागजात जो कोर्ट में जमा कराएं या कब्जा हटाएं। इसके बाद से बवाल शुरू हुआ। डीएम ने अपने बयान में कहा कि जमीन पर अवैध कब्जे की बात तो तय होने के बाद ही अतिक्रमण हटाया गया। अब ये पूरा का पूरा मामला था, आपको समझ में आ गया कि वो जमीन किसकी थी, नजूल मतलब सरकार की। आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो नीचे दिए नंबर्स पर आप हमें सहायता राशि भेज सकते हैं। और अब्दुल का खोज अभी जारी है, अब्दुल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये वहां के एसएसपी ने कहा है। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।